बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा ये आए हैं, अल्लाह इज वन एंड ओनली। जी आ गए आप बात करने यहाँ ऊपर। जी 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 मैं आ गया आपसे बात करने। आपको, आप समझ रही थी कि मैं सिर्फ नीचे बैठ के कमेंट्स करूंगा आपके ऊपर, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। यू सेड यू डोंट हैव अ बॉल्स टू टॉक टू मी। यस आई डू एंड यू कैन हैंडल इट। व्हाई डोंट यू शो योर फेस इफ यू हैव द बॉल्स? व्हाई आर यू हाइडिंग? व्हाट डू यू हैव टू हाइड? वेल आई एम विद फ्रॉम माय पीसी एंड आई डोंट हैव वेबकैम। ओह यू डोंट हैव? Yes. What kind of phone is it? You don't have a webcam. Like what kind of stupid? I'm from PC. You're in 1400th century. Which century are you from? Hello. Can you hear it? I said I'm from PC. That's what I said. PC में आपके कैमरा नहीं है आजकल के ज़माने में? No, I don't. I'm using desktop. Okay. कितने गरीब हैं आप? Yes, बहुत गरीब. Now what? अच्छा देखें, देखें mileage. आप जो भी अपनी स्ट्रीम करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप या तो बॉडी शो करती हैं, ठीक है, या आप गंदी बातें करती हैं, ठीक है, क्यों करती हैं ऐसा? इसकी मतलब आपके, आपको इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है जिस पे आप बात कर सकें? आप मोमेंट नहीं आते ना, फिर मोमेंट देखने ही सिर्फ बॉडी और गंदी बातें आते हैं, आते ही नहीं फिर मोमेंट? नहीं नहीं, 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 मैं आपको देखने नहीं आया। मैंने आपकी आपकी जो बातें सुनी है ना, बेसिकली मैं उसके ऊपर आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैश टॉक करती हैं। ट्रैश टॉक का जी जी, आप ट्रैश टॉक करती हैं, आप जो है ट्रॉल करती हैं, इस्लाम को ट्रॉल करती हैं, आप मर्दों को ट्रॉल करती हैं, ठीक है ना? आपका काम यही है और आपकी रोजी रोटी इसी पे चल रही है, बात तो ये है असल। अच्छा, am I right or wrong? आपको किसने बताया भाई? आपको सब पता है तो मैं right or wrong क्या बोलूं? आपको सब पता है ना मेरे बारे में? आप बोले wrong, बोले आप wrong, बोले नहीं मैं wrong right क्यों बोलूं? मेरा तो यहाँ यही तो बात है। मेरे को बात बताओ भैया, आप इतने स्मार्ट बंदे हो, आप YouTube के बारे में कुछ तो जानते हो ना? आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, मेरा चैनल डालो, देख लो मैं महीने का कितना कमाती हूँ, और फिर उसके बाद बताना कि मेरी रोजी रोटी यहाँ से चलती है या कहीं और से चल रही है, ठीक है ना? लेकिन आप तो चला ही रही है। सुन लेना, उसमें मैं रॉन्ग राइट आपको नहीं बताऊंगी। मेरी मर्जी में कुछ भी पहन के बैठू यहाँ पर, आपको तकलीफ है, मत देखा करें। ट्रोल इस्लाम को मैं क्या ट्रोल करूंगी? इस्लाम खुद ही ट्रोल होता है। गंदी बातें आपके कुरान में गंदी बातें लिखी हुई है, ऐसे मुबाशरत करो, इसको चूस लो, उंगली मुंह में ले लो, पिछवाड़े से चले आओ, औरतें तुम्हारी खेती है तो इसे भी खेत चला दो। तो ये गंदी बात मेरी हुई या कुरान से हुई, बताइए जरा? ये गंदी बात नहीं है, ये जिंदगी के मामलात हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें ये जिंदगी के मामलात हैं जो आपको सिखाए गए हैं कि आपको कैसे करना है। बात कर रही हूं भाई, सेक्स जिंदगी का मामला है। सेक्स ना अगर आपके माँ बाप ने किया होता, ना रसूल के माँ बाप ने किया होता, तो हम में से कोई आज होता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना? तो ऐसे में मैं बात करती हूँ, आप कहते हैं गंदी बात कर रही हो। नहीं देखें, आप जो है ज्यादातर जो है गालियां देती हैं। गालियां क्यों देती हैं आप मुझे बताएं? मैं आपको गाली दे रहा हूँ? नहीं मुझे नहीं, आप अक्सर दे रही होती है ना YouTube के ऊपर बैठ के। किसको गाली देती हूँ? जो मुझे गाली देगा उसको, आपकी माँ बहन को कोई रंडी गश्ती बोलेगा तो क्या आप उसको हार पहनाएंगे या उसको उठा के एक जड़े? नहीं देखें, इसका मतलब ये नहीं, मैं उसको उनसे गंदी गाली दूंगी। मुझे नहीं मालिक, आप मुझे एक बात बताएं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। नो नो नो, मुझे आके कोई यहाँ पे चमाट मारे, गाली दे, तो मैं उसको बैठ के यहाँ पे उसको चाय भी पिलाऊं, समोसा भी खिलाऊं? नहीं, अब वो पहले की ना औरतें थी, नहीं अब हम जूता उतारते और भिगो भिगो के भी मारते ताकि वो बंदा ना किसी और के साथ आगे जाके ना करे। लेकिन देखें, आप एक फीमेल हैं, आप फीमेल तो, के ऊपर नहीं सुने तो मेरी बात सुने। देखें फीमेल मेरे साथ में कोई डिफरेंस नहीं है। हाउ आई कैन टॉक? नो 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 नो, there is no difference just because I'm a female, some guy is gonna come here because he has dick and balls, he's gonna abuse me just because he has dick and balls? I don't know. No, no, no.
मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको अब्यूज कर रहा है तो वो सही कर रहा है, मैंने ये तो कहा ही नहीं है, ठीक है, बट हर आदमी का एक लेवल होता है ना, लेवल भी तो कोई चीज है या नहीं है। हाँ ना, तो मेरा यही लेवल है, जो मुझे अच्छी तरीके से बात करता है मैं उनसे अच्छी तरीके से बात करती हूँ, जैसा मुंह वैसी चपेट, बस मेरा ये सिंपल। मैंने आपको क्या बताया, मैं ये 16 साल से कर रही हूँ, मेरी भी तो हिम्मत है ना, मेरा भी तो पेशेंस है ना, 15-16 साल से एक ही चीज सुने जाओ, वो भी पाकिस्तानियों से, ओ भाई फट जाते हैं लोग, मैं तो फिर भी 10-15 साल बाद जाके फटी हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आप करके बात कर रही हूं, आपसे तो मैंने गली भी नहीं दी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई, कोई नहीं, नहीं मैंने आपसे कोई गलत बात की, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की या मैंने कोई गाली दी या कोई मैंने चीप, आप सिर्फ नंगापन दिखाती हैं, आप गंदी बातें करती हैं। पहली बात तो मैं नंगी नहीं बैठी यहाँ पर, आपके लिए पहले डिफाइन करें नंगा क्या है। मेरे लिए नंगा है कि मैंने कोई एक कपड़ा भी ना पहना हो, वो नंगा होता है। आपके लिए मेरा सर नंगा है या मेरे बाजू नंगे, डिफाइन करें ना नंगा क्या है। और ना मैं मुसलमान कंट्री में बैठी कि मैं कोई इलीगल काम कर रही हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है आपको कि मैं यहाँ बैठ के आपकी रिलीजन पे बात करती हूँ, तो उस पे आपको गुस्सा चढ़ जाता है और आ जाते हैं आप मेरे कपड़ों पे, क्योंकि यू हैव नथिंग एल्स, आपके पास कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं है ना अपनी रिलीजन को बचाने के लिए, तो आप आते साथ ही मुझ पे पर्सनल मेरे कैरेक्टर पे अटैक करते हो। नहीं तो मैंने आपको क्या गलत बात बोली है कि अगर आप गालियां देती हैं या बदतमीजी किसी से करती हैं तो वो क्या अच्छी बात है? मैं ये तो नहीं कह रहा जो आपसे बदतमीजी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं बदतमीजी उसी से करती हूँ जो मुझसे बदतमीजी करता है, मैं गाली उसी को देती हूँ जो मुझे गाली देता है, मैं पागल थोड़ी हूँ। लेकिन आप ट्रोल तो करती हैं, ज्यादातर लोग जो आपसे बदतमीजी करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि आप ट्रोलिंग करती हैं इस्लाम के ऊपर। मैं इस्लाम पे तो मैंने कोई ट्रोलिंग नहीं की, इस्लाम खुद ही ट्रोल होता रहता है हर वक्त। यार आपकी हदीसें हम पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं ट्रोल कर रही हूँ, मतलब आप उसके अंदर देखे ना, आप अपनी तरफ से चीजें ऐड करती हैं उसके अंदर, आप बदतमीजी करती हैं। नहीं सब मैं क्यों ऐड करूंगी, आपकी हदीसें कुरान की आयतें जैसी हैं वो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से क्यों ऐड करूंगी कुछ भाई, मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, कुरान में और कुछ लिखा हुआ है। आपकी नजर में किसी के फीलिंग्स को हर्ट करना क्या ये अच्छी बात होती है, बीइंग एज अ मुस्लिम और बीइंग एज अ एथिस्ट? आप उसमें कुछ भी बोल दें, उससे अगर लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही है, भाई आपने अपना एक फैंटेसी कैरेक्टर बनाया हुआ है, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं क्योंकि चल लोगों की फीलिंग्स हर्ट, मेरी रोजाना फीलिंग्स हर्ट। नहीं नहीं, ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, ये कोई भी शख्स हो किसी की भी फीलिंग हर्ट करे किसी भी वे में वो गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मैं आपका कुछ भी बोलूं किसी ना किसी की फीलिंग जरूर हर्ट होगी, तो इससे तो फिर मैं बात ही नहीं कर सकती कोई भी चीज में। नहीं नहीं बात करें, जरूरी तो नहीं है कि आप नेगेटिविटी में बात करें सब। अरे भाई उसमें पॉजिटिव कुछ हो तो ही ना, जिस रिलीजन ने मुझको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझा हुआ है, मेरे जिस्म को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, जिसमें खवातीन को सिर्फ खरीद और फरोख के लिए रखा है, जानवर की तरह रखा है, नहीं जानवर के भी ज्यादा राइट्स होंगे। आपने कहा देखी है खरीदो फरोख्त? चले वो बताएं अपनी बात को प्रूव करें ना, कहा देखी आपने? दुनिया भूल गए आप, लौंडी कहाँ होती थी? अरे ये जी लॉन्डी थी उस वक्त, थी जिस वक्त जंगे होती थी, और वो बातें खत्म हो चुकी हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या इस्लाम को छोड़े, इस्लाम को छोड़े, इतने अच्छे, मुझे एक बात बताइए, इतनी अच्छी रिलीजन लेकर आए, औरतों के इतने हकूक उससे पहले तो थे ही नहीं, वो लेकर आए, उन्होंने इतनी खराफत वाली हरकत लॉन्डी खत्म नहीं की, बल्कि अपने लिए लॉन्डियां रख ली है और फिर खरीद और फरोख्त के लिए भी रखते रहे। और सबसे आखिर में किसने खत्म किया था आपको पता है, ये सेक्स स्लेवरी या स्लेवरी किसने खत्म की थी? सऊदी अरब ने, मिडल ईस्ट में मुसलमान कंट्रीज ने आखिर में जाके खत्म की थी। क्या आप बात कर रहे हो, यहाँ पे मंडियां लगती थी और औरतें वहां कैसे होती थी? टॉपलेस, नीचे ढका होता था, टॉपलेस खड़ा होती थी, जैसे बकरा बकरे के दांत नहीं चेक करते, इस तरह से जाकर लड़कियों को यूं यूं करके देखते थे कि भैया ये ठीक है। आप अमेरिकन्स को, आप अमेरिकन्स को तो नहीं बोलती स्लेवरी के ऊपर या बात करती हैं आप? भाई मेरा अमेरिकन से क्या ताल्लुक, मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ। नहीं नहीं, अमेरिका से पैदा नहीं हुई, नहीं नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ,
क्या ताल्लुक आपका? आप कनाडा में है ना, राइट? हाँ कनाडा में हूँ। तो बात आप वहां की भी बात करती हैं क्या? अमेरिका की आपके आप यहाँ पे जो पहले रहते थे ना यहाँ के नेटिव्स, जिसे आप कहते हो रेड इंडियंस या नेटिव्स हम बोलते हैं उनको, उनके ऊपर यहाँ बहुत बातें, बहुत यहाँ पे जो है ना एक्टिविस्ट और एनजीओस यहाँ पे बात कर रही हैं। मुझे जरूरत नहीं है उन पे बात करने की, मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। जो यहाँ आकर मुझसे कहते हैं, एक कंट्री जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझसे कहते हैं तू अपनी जुबान बंद कर ले, उनको छोड़ के तो मैं यहाँ आई थी इसी वजह से। आप बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। मैंने आपसे यही बात बोली, देखें एथियस्ट का यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ा इशू यही है आपके। हाँ, गुजारने का तरीका ये है कि आप अपनी बेगम को अगर सेंस भी कर लो कि तुम्हारी बेगम ने कोई चीट कर लिया है या उसकी शर्मगाह के अंदर कोई और घुस गया है, तो पहले उससे बात करो। वो नहीं सुधरती है तो फिर उससे बिस्तर अलग कर लो, नहीं सुधरती है फिर उसको उठाओ के झापड़ मारो, ठीक है ना, मस्वाक से। ये अच्छा, ये, अच्छा, ये 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 है आपका, ये स्टैंडर्ड है लिविंग का। अच्छा आप मुझे बताएं इसका, अच्छा ये आपकी नजर में एथियस को ये नहीं पता होता कैसे ले रहना है क्या नहीं करना है। फीलिंग्स हर्ट की बात कर रहे हैं आप फिजिकली किसी को मार रहे हैं, वो हर्टिंग आपको नहीं लग रही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई एक आदमी गलत काम करेगा तो क्या किया जाएगा, आप बता दें। चले तो गलत काम आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप औरत को मारने का हुक्म दे रहे हैं कुरान के अंदर, आप औरत के ऊपर चढ़ाई करने का हुक्म दे रहे हैं विदाउट हर कंसेंट इन कुरान इन हदीस। आप औरत को एक यानी एक चीज की तरह, चीज से कंपेयर करते, आप औरत को इंसान ही नहीं समझते। देखें अगर बात सुने, अगर मैं आपको ह्यूमन बीइंग नहीं कंसीडर करता तो मैं क्या आपसे इस तरह बात करता जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ? लेकिन आप पहले पैदा होते ना तो आप भी नहीं करते। आपका कुरान कहता है ये, जिसका आप यहाँ पे डिफेंड करने आए हो, जिसको आपका इस्लाम कहता है ये, आप मुझे आज के इंसान हो। अभी आपने, मैंने आपसे आपके लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आपने फौरन बोला आप यहाँ पे आके बकवास कर रहे हो, यहाँ पे आके बकवास नहीं करते। ये क्या बात है तरीका कर, ये कौन सा तरीका है बात कर, क्या मैंने आपसे क्या बकवास की है? आपने भी तो आके बकवास की ना, आप तो ऐसे कपड़े उतार के आप नंगी बैठती है, आप यहाँ पे सिर्फ ट्रोल करती है, ये क्या है? बड़े अच्छे कॉमेंट्स है। अच्छा ये सच नहीं है? नहीं तो ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? तो मैंने बात बोली जो है औरत को इंसान नहीं समझता, क्या ये सच नहीं है? नहीं हम क्यों नहीं समझते, कुरान बिल्कुल समझता है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कपड़े उतार के पैसे यहाँ नहीं कमाए जा सकते हैं। यूट्यूब पे न्यूडिटी अलाउड ही नहीं है, और मुझे अगर कपड़े उतार के पैसे कमाने होते ना तो मैं बीच पीछे बहुत कमा सकती हूँ, मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ सोच लिया करो, कॉमन सेंस की बातें हैं ये जो आपकी समझ में नहीं आ रही। मैं बात ये कर रही हूँ कि आपने आके यहाँ बोला कि एथियस्ट को लिविंग जो है उनका लिविंग वे उनको नहीं पता है, तो मैं आज ये बोल रही हूँ आपका क्या है स्टैंडर्ड लिविंग का। हाँ फीलिंग्स ही बात कर रहे हैं, वहां पे औरत की पिटाई लिखी हुई है, वहां पे औरत होता है ऊंट के ऊपर बच्चा पैदा कर रही हो और मर्द को चाहिए उस वक्त सेक्स, तो वो उस बच्चा अंदर घुसेड़ ले मगर मर्द उस सेक्स दे, और अगर नहीं देगी तो सारी रात जो है ना उस पे फरिश्ते लानते मारेंगे। ये स्टैंडर्ड है आपका, गॉड डैम इट। देखें बात सुने, हर चीज का हर इंसान का कोई राइट होता है, ठीक है? राइट्स तय किए जाते हैं। मेरा राइट का है, औरत का राइट का है कुरान में, औरत का कोई राइट नहीं है कुरान में। रॉन्ग अगेन, कोई राइट नहीं है औरत का। क्यों नहीं है? बिल्कुल राइट है। क्या राइट है बताइए, क्या राइट है? अरे जब माँ है तो उसके पैर के नीचे जन्नत है। जन्नत वन्नत नहीं है माँ के पैर के नीचे, सबसे ज्यादा औरतें जहन्नुम में है। आपके मोहम्मद साहब ने कहा था, वो क्यों है? इसकी वजह है ना, क्योंकि बैक बाइटिंग करती हैं, बैक बाइटिंग करती हैं। अच्छा आप लोग तो नहीं करते ना? ओ भैया जरा
ट्विटर स्पेस पे जानना और यहाँ यूट्यूब पे भी मेजोरिटी यूट्यूब को मैक्सिमम जो है ना ज्यादा परसेंटेज मर्द देखते हैं, ट्विटर पे ज्यादा परसेंटेज मर्दों की है, ठीक है। ट्विटर स्पेसेस में बैठ के ना मर्द इतना सारा दिन पांच पांच छह छह घंटे बोल रहे होते हैं और बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं पीछे। कोई भी MMS लीक होता है सबसे पहले ये मर्द होते हैं जो WhatsApp पे अरे मेरे को भी भेजो, अरे मैंने भी देखना है, किसी की MMS लीक हो जाए सबसे ज्यादा तुम लोग शेयर करते हो, क्या बात कर रहे हो, लॉजिक नहीं नहीं लॉजिक की नहीं, देखिए ये आप जो है ना लॉजिक इज दिस, आप रियलिटी से मुंह फेर रही हैं, आपको पता है आप रियलिटी से मुंह फेर रही हैं, इसलिए आपको पता है कि औरतें करती हैं बैकबाइटिंग। मैं इससे मैं ये बात बैकबाइटिंग से हम धंधों में चले आएंगे, यानी बैकबाइटिंग से हम धंधों में चले आएंगे, बस इतनी सी बात पे। तो बैकबाइटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन। अच्छा तो इस हिसाब से तो सारे मुसलमान जाओगे, हाँ जो जो करेगा वो जाएगा, हाँ सभी जाओगे, सब जाओगे उसमें, उसमें हाँ उसके अंदर मर्द भी शामिल है। तो मगर औरतें क्यों है जहन्नुम में ज्यादा, मर्द अच्छा मर्द मर्द फिजिकल असॉल्ट कर सकता है, औरत का रेप कर सकता है, बच्चे का रेप कर सकता है, मगर वो जहन्नुम में नहीं है ज्यादा। औरतें जहन्नुम में सिर्फ क्यों दे डू जस्ट टॉकिंग, यानी किसी के पीछे बैक बाइटिंग में या किसी को फिजिकली मारने में कितना बड़ा डिफरेंस है अल्लाह मियां ने देखा ही नहीं। कहां मारूं मैं अपना सर, सीरियसली कौन सा अल्लाह। मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रही हैं कि अगर किसी को समझाना है पहले उसको जो जो एक तरीकेकार है उसके ऊपर अमल करते हुए आखिर के अंदर अगर एक इंसान जब भी ना समझे और उसको अगर आप थोड़ा सा मार के सीधा कर लें तो उसमें क्या मिलेगा। जी जी मारो मुझे मारो। लेकिन आजकल कोई आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, आप कौन होते किसी पे हाथ उठाने वाले, आपको किसने ये पावर दी है कि आप किसी औरत पे हाथ उठाए, उसने गलत काम किया उसको छोड़ दो यही होता है यहाँ पर। आप लोगों के मुसलमान जो है ना कितने बाहर की कंट्री से बैठे हैं ना, इस हिसाब से सारे जेल के अंदर होंगे, जब तो तलाक होती है, जब तो अमेरिका उठा सकते है, सुन लीजिए ना यहाँ पर आप, अरे सुने मेरी बात, यहाँ आप कुत्ते पे भी हाथ नहीं उठा सकते। और दूसरा मेरा पॉइंट, तो जब तो तलाकें होती है, ओ भाई मैं क्यों ऐसे बंदे के साथ रहूं जो मुझे रोजाना कुटेगा, पागल तो नहीं हो गए आप, एक सीरियसली एक औरत को आप मारेंगे और फिर उससे अगले दिन कहेंगे चलो आप बेड पे आ जाओ मेरे साथ, और नहीं, वो किस बात पे मारेगा, नहीं किस बात पे मारेगा, किस बात पे मारेगा, मारने के भी तो कोई वो है रीजन। अच्छा तो मर्द चीट करता है, मर्द चार चार बीवियां रख रहा है तो मैं उसको मारूं, वो चीटिंग है, चार बीवियां रखना चीटिंग है, मेरे भी हाँ चीटिंग है, क्यों नहीं है, कैसे चीटिंग है, वो खुद अच्छा मर्द के मजे, हाँ मर्द के मजे, और औरत अगर कुछ करा भी नहीं हो सिर्फ शक की बुना पे उसको मार सकते हैं, ये हैं ये लोग, ये है तुम लोगों को, यानी शक क्यों करेंगे आप, शक लेकिन शक की बुना पे क्यों मारेंगे, नहीं शक की बुना पे क्यों मारेंगे, पेशाब ना करो पेशाब गंदा हो जाएगा, जो औरत को कहता है कि मारो, लॉजिक अच्छा है आपके पास, नहीं मुझे एक बात बताओ, किसी हाँ। कुत्ते को भी मारोगे ना तुम, या किसी भी जानवर को भी मारोगे ना, वो भी नफरत करेगा आपसे, तो आप तो कह रहे हो एक उस औरत को अपने पास मार मार के उसको रखो, मेरी माँ को रखा था ना मेरे बाप ने इसी तरह से मार मार के, तलाक नहीं दूंगा मगर मैं मारूंगा तुझको हर रात मारता था मेरी माँ को, और हम देखते थे अरे कितना अच्छा असर पड़ रहा था हम बच्चों पे उसका, इससे बेहतर नहीं कि तलाक दे के अलग हो जाओ, हाँ मेंटली किसी को टॉर्चर ना करो, किसी को मारने से सिर्फ फिजिकली हर्ट नहीं होता है, इंसान के अंदर का जो होता है ना चूरम चूर कर देते हो तुम उसको, क्या बात करो यहाँ पे, किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं आप, असॉल्ट को डिफेंड कर रहे हो, यू आर डिफेंडिंग असॉल्ट, यू आर डिफेंडिंग योर फिजिकल वायलेंस, ओके डोमेस्टिक वायलेंस, शेम ऑन यू, नो 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 नो, मैंने आपको क्या बोला, पहले स्टेप्स लेने हैं आपने, उनको समझाना है, नो 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 स्टूपिड रिलीजन, ओके आपने खुद अभी कहा अगर बंदा उसको थोड़ा सा मार दे तो उसमें बुरी बात क्या है, पहले आपको समझाना है ना, पहले समझाना है, आपके बाप ने आपकी मम्मी को कुटाइयां की हैं जो आप यहाँ के डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को, नहीं तो अगर की है तो उसमें क्या हुआ, नहीं अगर अगर फर्ज करें कर भी ली चले तो क्या हो गया उससे, तो क्या हुआ, तो मुझे आपकी माँ पे बड़ा तरस आ रहा है, तो बस आप तरस खा सकती हैं, शेम ऑन यू, लेकिन अगर वही लोग अमेरिका में होते तो छोड़ चुके होते, इस वजह से आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर,
ये शक्ल ना दिखाने का बहाना था ना, ये बहाना है, मुझे पता है आपका. ओके, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक लाइक दैट आई सपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस. आप लोगों की वजह से ना पाकिस्तान में लड़कियां जो है मर जाती हैं घुट घुट के, क्योंकि मैं तलाक नहीं दूंगा, तेरे को मार दूंगा जान से. लाइक सीरियसली, और फिर आप कहते हैं ह्यूमैनिटी का, मुझे सिखाएंगे आपके फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं? नहीं, आप किसी को फीलिंग या फिजिकली हर्ट करके घर में बांध के रख रहे हो, जानबूझ के पट्टा डाल के, वहां तुम लोगों को फीलिंग्स ही दिखती है. ये किसने कहा आप रखें? किसने कहा? आपने कहा है और क्या? ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा. आप उसको समझाएंगे पहले, ठीक है, उसको वार्निंग्स देंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर उसके बाद आपका गुजारा नहीं होगा तो देखें, सबसे हलाल तरीन चीजों के अंदर तलाक जो है वो सबसे बुरी चीज, बुरी चीज. लपेट रही हूँ, फेंकते जाओ, फिर बाद में बेचूंगी इसको. अरे चलो यहाँ से, तलाक ये वो तलाक जो है that is 100 times better than beating somebody and forcing them to stay. Okay, especially वो मैं औरत होके आपको बता रही हूँ, मुझ पे जिस दिन जिस मर्द ने हाथ उठाया ना, उससे मैं उतनी नफरत करूंगी. और उसके बेड में तो जाते हुए I will never sleep with that fucking guy, pardon my French, क्योंकि if he raises his head on me, ये आपको मैं बात लिख के दे दूं कि कितनी भी औरतें होती हैं ना, वो खुशी खुशी नहीं होती हैं मर्दों के साथ अगर वो उनके ऊपर हाथ उठाते हैं. समझ में आई ना? ये आप लोगों की जबरदस्ती है. This is what you want. मतलब वो कहीं भी मुंह मारे ओके है? हाँ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो ना. तुम्हें क्या, तुम भी तो मुंह मार रहे हो चार चार जगहों पे. ये कौन सी फेयर बात है? तुम मुझे एक बात बताओ. पहली बात ये, अल्लाह मियां ने हम को सेक्सुअल ऑर्गन दे दिए, आपको भी दे दिया, मुझको भी दे दिया, ठीक है. फिर अल्लाह मियां ने ये नहीं बताया आपको, आपको ये बता दिया कि तुम्हारा सारा दारो मदार मर्द का सेक्स पे है, और सेक्स उनको अनगिनत लड़कियों से भी मिलेगा, औरतों से मिलेगा. बीवियां भी रख लो तो लौंडियां भी मिलेंगी आपको, ठीक है ना, चचा की बेटियां, तो मामू की बेटियां, तो सारी बेटियां, भाई पूरी दुनिया की लड़कियां अवेलेबल मोहम्मद साहब के लिए. और औरत का तो कुछ है ही नहीं कि वो सेक्सुअल, उसको डिजायर्स हो सकती हैं कि वो भी सेक्स एंजॉय कर सकती है. नहीं, उसको सप्रेस करके रखो, उसने वो एक गली सड़ी सूखी रोटी रोजाना खानी है. आपको हलीम भी चाहिए, आपको बिरयानी भी खानी, फिर कोरमा भी खाना, राइट, और एक दिन हलवा पूरी भी खाने को मिलेगी आपको. ये कौन सा खुदा है मुझे ये बताओ जिसने ये नाइंसाफी की है? Who is this? दूसरा पॉइंट कि एक ह्यूमन नेचर है ये, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, यू गेट पोजेसिव ओवर थिंग्स दैट यू लव. आप जिससे प्यार करोगे उसके ऊपर आप पोजेसिव हो जाते हो, ठीक है ना. माँ होगी तो बच्चे पे पोजेसिव होती है, बच्चा होगा तो माँ के ऊपर पोजेसिव होगा. इसी तरह से औरत अपने मर्द पे पोजेसिव होती है, वो नहीं चाहती कि वो दूसरी औरत के साथ उसको शेयर करे. ये नेचुरल चीज है, जैसे मर्द नहीं चाहता कि उसकी औरत को शेयर करे. ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है ये. मगर हम अपना ह्यूमन बिहेवियर मारते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं ताकि आप लोग जाकर मुंह मार सको. मुझे एक बात बताएं, अगर आपको बच्चे चाहिए एक औरत से नहीं हो रहे, और या एक मर्द से नहीं हो रहे, एक मर्द से नहीं हो रहे, तो क्या दूसरी शादी नहीं करेंगे आप? हाँ, दूसरी शादी कर ले. तो इस तरह से औरत का मर्द भी है, जरूरी थोड़ी ना बच्चा औरत के उस पे ही होता है. many men shoot blanks, उनके स्पर्म में पाए. मैंने तो, excuse me, मैंने तो नहीं कहा ये बात. तो फिर हाँ ना, तो फिर वो औरत क्या करेगी? औरत क्या छोड़ेगी नहीं उसको? और इतने सारे मर्द है, कितने इस्लाम ने इजाजत दी, तो इस्लाम ने इजाजत दी है ना. अरे सुने मेरी बात, औरतें कितनी शादी करती हैं, बाद में जाती हैं उनके मर्दों का खड़ा ही नहीं होता, क्या करेगी औरत? अभी आप देखें, फिर इन बातों पे आ गई ना फिर. ओ भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ये. क्या प्रॉब्लम है? दे आर नॉट सेक्सुअली सैटिस्फाइड क्योंकि उनके मर्दों का खड़ा नहीं होता. मर्दाना कमजोरी की प्रॉब्लम. क्या बात कर रहे हैं आप? दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. ये आपने कहां से निकाला? सर्वे करा, हमें भी दिखा दें. और लड़कियां और औरतें बता भी नहीं सकती अपनी फैमिली में ये कि भाई हमें तलाक क्यों चाहिए, ये बता भी नहीं सकती. क्योंकि अच्छा, तुझको इतनी गर्मी चढ़ गई है? ओ भाई, ये पुरानी बातें कर रही हैं, ये पुरानी आप बातें कर रही हैं. नहीं, कहानियां नहीं बता रही हूँ मैं, ऐसे ही नहीं, पुरानी बातें कर रही हैं. मुझे एक बात बताएं, जरूरत नहीं है तो इतने लोग वहां पे मर्दाना कमजोरी की दवाई क्यों बेच रहे हैं? अरे तो किसी ने तो अपना चूरन बेचना है ना. अच्छा, तो आप कह रहे पाकिस्तान में सबके खड़े हो जाते हैं? नो प्रॉब्लम, राइट, विद दोस गाइस. आई डोंट नो अबाउट दैट. यू डोंट नो, देन डोंट टॉक.
If you don't know, then don't talk. Because, I know. Because I know. That's what I'm talking. I'm not talking just because I don't know. I know. That's what I'm telling you. I'll tell you one thing. देखे मेरे भी तो दोस्त है ना तो मुझे तो कोई मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो जो कोई आगे बताएगा कि मेरा खड़ा नहीं हो रहा मैं किसको बताएगा किसको बताएगा चलो आप बता दो व्हाई नॉट कभी नहीं बताएगा ये कि मेरा नहीं खड़ा हो रहा मैं अपनी बीवी के साथ नहीं कर सक रहा हूँ वो चुपचाप जाके दवाई लेकर आएगा वायग्रा लेकर आएगा अच्छा चले सही है आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही है मेरा मुझे नहीं मैं तो आज की दुनिया में रह रही हूँ आप 1400 साल पहले रह रहे हैं मैं तो नहीं रह रहा मैं तो नहीं रह रहा आप ही कह रही हैं सारी बातें पुरानी बातें आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं औरत को थोड़ा मार लिया तो क्या हुआ लौंडिया जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर भाई आप 1400 साल पहले रह रहे हैं उसी चीज को डिफेंड करने आप यहाँ आए हैं 1400 साल पहले वाली आइडियोलॉजी को दैट इज ओवर पॉइंट मैं तो आज ही आप आपके ऊपर तो मैं क्या बात करूं आप तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को ही गंदा कर रही हैं आपके आपका लेवल तो ये है बेसिकली पाकिस्तान को थोड़ी कोई गंदा कर रहा पाकिस्तान को ये जो सारे ऊपर बैठ के लूट रहे हैं नहीं 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 एक सेकंड नवाज शरीफ हो जाए ये जो क्या है जरदारी हो जाए ये हमारे अभी इमरान खान कितने शरीफ अरे भाई इनसे ज्यादा तो कोई शरीफ ही नहीं है अरे फिर ये इनका जो स्टाइल 360 चलता है चैनल वहां पर जरा वहां की सारी एक्ट्रेसेस उठा ले मॉडलिंग की जो लड़कियां उठा लो मीडिया उठा के देख लो कि वहां क्या गंदे गंदे काम हो रहे होते हैं ये वो काम है जो ट्रांसजेंडर्स को उठा के लेके जाती है उनसे मुजरे करवाती है उनको मारती है पीटती है उनका रेप करती है ये और पाकिस्तान को गंदा मैं कर रही हूँ ठीक है पाकिस्तान में ढेर पड़े होते हैं जहां से डिजीजेस हो रही होती हैं पाकिस्तान में जहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं चीजें बेच रहे होते हैं अगवा हो रहे होते हैं वो महलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे महलीज आप में और अदनान सैनी में कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान में जो हीरा मंडी है ना जो हीरा मंडी है लाहौर में जो बिल्कुल ही कहाँ है मस्जिद के बिल्कुल ही बाहर मस्जिद का दरवाजा हीरा मंडी की जो है ना सड़क पे निकलता है वो किसकी वजह से है वो महलीज की वजह से ठीक है ना महलीज वो गंदा सिर्फ आई मीन पाकिस्तान गंदा सिर्फ मैं ही कर रही हूँ जिस मुल्क में पैदा हुई जिस मुल्क में पैदा हुई है जो छोटे छोटे बच्चों के होलों में सुराख कर रहे होते हैं इनके मौलवी वो महलीज की वजह से हो रहे होते हैं पता नहीं जिस मुल्क में आप पैदा हुई उसी को गंदा कर रही हैं आप में और अदनान सामी में कोई फर्क नहीं है मेरे मुल्क ने क्या दिया मेरे को क्या दिया आपने क्या आप भी मुझे पाकिस्तान में तो बैठे हुए लग नहीं रहे हो आप भी बाहर ही बैठे हो समझ में आई ना आपकी छोड़ के आ गए अपना मुल्क नहीं मैं तो पाकिस्तान में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्या दे दिया पाकिस्तान ने आपको क्या दे दिया मतलब क्या दिया? आपने मुल्क को क्या दिया है आपको पाकिस्तान ने मुझे क्या दे दिया पाकिस्तान मतलब आप ये क्यों बात कर रही हैं कि आपके मुल्क ने क्या दिया आपने मुल्क को क्या दिया मैंने तो बहुत कुछ दिया है अपने मुल्क को मैं तो आपने क्या दिया चले वो बताएं क्या दिया का नाम जाके रोशन किया वरना आप लोगों ने तो हमारे मुल्क के ऊपर ठप्पा लगा दिया था टेररिस्ट दैट्स इट मैं तो जाकर लोगों को बता कर आई हूँ कि नहीं हम सारे टेररिस्ट नहीं है मेरे जैसे लोग भी पाकिस्तान में कहाँ पे आपने बताया किस जगह जाके किस जगह पहले ये तो बताया किस जगह आपने कहा जाके नहीं नहीं आपने कोई मेरे ऊपर रिसर्च किया बताया वहां पर मुंह धोकर और आप ओ भाई तुम जाओ पहले रिसर्च करो कि मैं हूं कौन फिर आके बात करना ना पता तुम्हें टकेगा नहीं है यहाँ पर आगे नहीं नहीं मुझे बताओ वो कौन सा फोरम है जहाँ पे आपकी सुनी गई वो तो बताओ मुझे आप बहुत सारे फोरम्स हैं मेरे तो लोग बताए ना इतना बड़ा फोरम बताए ना जहाँ पे आप ओ भाई आपकी कौन सुनता है ना आपका नाम ना आपका चेहरा हु द हेल आर यू नोबडी इवन नोज यू अब आप पर्सनल ले गई पर्सनल ले गई आप कौन है नहीं आप मुझसे पूछ रहे कौन सा फोरम बताए ना फोरम तो बताए जहाँ पे आप यानी तुम लोग हड हराम होने काम नहीं कुछ करना काम चोर एक नंबर के फिर कहते हो गए हम पाकिस्तानी हो गए बोलती हूँ इतने काम चोर बकवास करने आ गए यहाँ पर ओ भाई जाके जरा रिसर्च कर लो ना पढ़ाई लिखाई नहीं आती क्या हो पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता हाँ चूतिया किस्म की आप बातें कर रहे हो जब से आए हो लगे हुए हो तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए क्योंकि यू आर सिटिंग हियर सपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन लोगों को उठा उठा के ना इनकी पिटाइयां करनी चाहिए इनकी औरतों को ना और फिर इनसे पूछना नहीं हाय बेटा अब कैसा लगा आपको हाँ हस्बैंड जी कैसा लगा आपको आज मैंने आपकी डंडे से पिटाई की है क्योंकि मुझे शक हो गया था आप किसी और लड़की के साथ डिंग डोंग कर रहे थे
अजीब सारी रिलीजन है, अजीब से ही लोग हैं, पता नहीं कहाँ यूट्यूब से बड़ा फॉरम क्या चाहिए। और भाई जाहिल इंसान है, कभी इसने कभी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको सारा होमवर्क करके आपका दूं। अब मैंने इतना मेरा सर जो है घूम गया है, अब आगे बढ़ते हैं। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।